सेंट जॉन्स कॉलेज में एनवायरनमेंट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन में छात्र छात्राओं ने पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर प्रोजेक्ट के जरिए तरह तरह के उपाय बताए। आज हमारे वनस्पति विज्ञान विभाग में जो सोसाइटी है, बॉटनिकल सोसाइटी, उसके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सारे MSc और BSc के, उनके द्वारा एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एक्चुअली हमारे मॉडल में बेसिकली ये चीज़ बताई गई है कि जो हाउसेज और इंडस्ट्रीज से वेस्ट पोल्यूटेंट्स आते हैं उनको हम सीवर लाइन के थ्रू डायरेक्ट किस तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं और फिल्टर आउट कर सकते हैं वाटर को थ्रू दी अर्थ वॉर्म। मेरा मॉडल है वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर। वर्टिकल फार्मिंग के काफ़ी सारे यूजेस हैं। इसके मेन यूजेस इसमें आते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टैट्स बाय 2050 हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, जो कि 9.1 बिलियन से लेके 10 बिलियन तक हो सकती है। अब जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन लोगों के लिए खाना अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए। तो ये वर्टिकल फार्मिंग एक सोल्यूशन है। हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ ये बॉटनी में जो आयोजित है आज की बच्चों की साइंस एग्जीबिशन, उसमें यहाँ के देखा है और बच्चों ने मॉडल के द्वारा बना के वर्किंग मॉडल भी बनाए हैं बच्चों ने, जिसमें डिस्प्ले किया हुआ है कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पॉल्यूशन का भी कुछ हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं।